Welcome to my YouTube channel. Now the today topic is inherent mathematics, right? Inherent mathematics यहाँ पर भी है, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि inherent mathematics को कैसे तैयार करें और inherent mathematics का कौन-कौन से topics को करें हम. और अभी मैं एक बताऊंगा आपको कि eigen value और eigen vector को shortcut तरीके कैसे निकालते हैं. eigen value तो चलो ठीक है, eigen vector को हम कैसे निकालेंगे, बड़ा-बड़ा matrix का eigen vector कैसे चुटकी में बताएंगे, वो भी हम तरीका आपको यहाँ बताने वाले हैं, है ना. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, दीज आर द सिलेबस ऑफ द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा जो भी कुछ है वो थोड़ा मोड़ा चीजें कर लो, बाकी ये मेजर टॉपिक है जिसको करना है आपको, ठीक है. अब आता है कि सर मैट्रिक्स पहले बुक कौन सा बनाया. सर बुक आप जो है मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एच के दास की बुक आती है. इस एच के दास की बुक को जो है जितना बार अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन जो बनाना बना जाओ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको कि सॉल्व क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, सॉल्व क्वेश्चन अगर आप बना जा रहे हैं आपका एच के दास का क्वेश्चन, तो ये पूरे पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे फंडा, है ना. इसके अलावा क्या करना है आपको कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको बना जाना है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कहां से बनाएंगे, तो कोई भी इंस्टीट्यूट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा. आपको आप कोई भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कोई चेंजिंग है नहीं, या नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को, है ना. तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए. सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है आपका जनरली अगर गेट का एग्जाम है आपका, तो गेट के एग्जाम में आपके 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपके 10 मार्क्स के अराउंड में, है ना. और आईईएस का प्रीलिम्स अगर दे रहे हो आप, है ना, प्रीलिम्स में आपका आएंगे अराउंड 8-10 क्वेश्चंस, मतलब अराउंड 20 मार्क्स के अराउंड, 15-20 मार्क्स के अराउंड में आएंगे प्रीलिम्स में, है ना. और अगर आप आईईएस का मेंस दे रहे हैं, मेंस में इलेक्ट्रिकल वालों का एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, ये मेंस में भी आएगा आपका. तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, जिससे पोर्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं दोस्त, है ना. और जितने भी गेट के एग्जाम्स है, जितने भी गेट एस्पिरेंट्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से करना ही है आपको, है ना. अब आता है कि सर ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे टैकल करें. तो आपको मैंने बता दिया एच के दास के क्वेश्चन को आप बना दे जाइए, सॉल्व क्वेश्चन को मल्ली बना दीजिए, ये इच क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे. आप एच के दास के बनाइए या बी एस अग्रवाल में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन उसको बना जाइए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितना उसको रगड़ डालो बस, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. और इसको बार बार करना है. तुम लोग करते क्या हो कि एक बार करते हो, उसको एक बार करना नहीं है, इसको बार बार करना है. जितना बार आप करोगे उतना अच्छा आपका रैंक आएगा दोस्त, है ना. अब आता है कि सर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं. देखो हम तरीका आपको एक बता रहे हैं, बड़ा शॉर्टकट तरीका, अच्छा तरीका. आप लोग पढ़े होंगे आइगन वैल्यूज, राइट, एंड आइगन वेक्टर. अगर इसकी बात करें हम आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर, बड़ा आसान है निकालना आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो निकालते आ रहे हो. लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं कि आइगन वेक्टर को हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे. अगर आप जो है पढ़े होंगे कोई मेथड्स, तो देखिए क्या करते हैं आप. कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, लेट से दिस मैट्रिक्स ए, दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट लेट से 1-2-0-1, दिस इज द मैट्रिक्स, राइट. सो व्हाट वी डू फॉर द आइगन वैल्यूज, फॉर द आइगन वैल्यूज ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्या करते हैं आप, जीरो. ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज नथिंग बट आइगन वैल्यूज, राइट. सो ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस इज 1-λ, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो 1-2-0-1, लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1-0-0-1, एंड दिस इज नथिंग बट 1-λ 2-0, एंड दिस इज इक्वल टू 1-λ, राइट. सो ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, इसका डिटरमिनेंट आप जीरो करेंगे तो ये बनेगा 1-λ का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1-1, राइट. दो रूट्स आ गए आपके. अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं. अगर आप आइगन वेक्टर की बात करें, सो व्हाट वी डू फॉर द आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर के लिए क्या करते हैं आप कि जो भी मैट्रिक्स निकले आइगन वैल्यूज उसको आप पुट करते हैं, नहीं मतलब ए माइनस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं ये निकालते हैं आप ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये क्या करते हो आप, ए माइनस लैम्डा 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एच इक्वल टू जीरो, यही करते हैं आप फॉर द आइगन वेक्टर, फॉर द आइगन वेक्टर यही करते हैं सर आप, है ना. दिस इज द फॉर द आइगन वेक्टर. अब यहां से क्या करते हो,
दूसरा ए मैच लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इक्वल टू क्या करते हैं आप जीरो नहीं तो यहां पर देखिए अगर 2x2 का मैट्रिक्स है ये 2x1 का मैट्रिक्स ये 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स 2x1 का मैट्रिक्स तो एक्स क्या होता है आपका दिस इज नथिंग बट x1 एंड x2 अब लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में यहां पर देखो दो इक्वेशन निकालते हैं आप दो इक्वेशन है ना कैसे जैसे मान लो a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो लेट a माइनस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो ये आ गया 1 2 1 1 ऐसा आ गया तो इसको क्या करते हो आप x1 x2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड 0 0 करते हो हम जस्ट प्रोसीजर आपको बता रहे हैं फिर इसको क्या करते हो दो इक्वेशन लिखते हो x1 plus 2 x2 equal to 0 x1 plus x2 equal to 0 यही करते हैं आप तो ये जो करते हैं आप उसके बाद फिर क्या करते हो इसको आप x1 और x2 का वैल्यू सॉल्व करते हो और वहां से आपका आइगन वेक्टर मिल जाता है x1 एंड x2 वेरी लॉन्ग प्रोसीजर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप इसको बनाने बैठेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा आपको है ना तो शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे हम बनाएंगे आइगन वेक्टर अगर निकालना आइगन वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका है ना प्रॉपर्टी से भी हम निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है ना जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है आपका ए लेट से दिस मैट्रिक्स इज ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स राइट दिस इज द मैट्रिक्स ए अब ए मैट्रिक्स के कितने आइगन वैल्यूज हैं जितने आइगन वैल्यूज होंगे उतने ही आइगन वेक्टर्स होंगे है ना तो जो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं और आइगन वेक्टर्स हैं तो आइगन वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मान लिया अगर इसके लैम्डा 1 लैम्डा 2 दीज आर द लैम्डा एम इज द आइगन वैल्यूज सो द प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स सो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स नथिंग बट व्हाट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सो दीज आर द टू प्रॉपर्टी टू फाइंड द आइगन वैल्यूज बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द आइगन वेक्टर्स देन व्हाट वी शुड डू आइगन वेक्टर्स के अगर मान लो 4x4 का मैट्रिक्स है 5x5 का मैट्रिक्स है 6x6 का मैट्रिक्स दे दिया तो भैया अगर मान लिया अगर हम 5x5 का मैट्रिक्स ले लें या 4x4 का ही ले लेते हैं तो देखो कितने इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज 4x4 मैट्रिक्स राइट तो 4x4 मैट्रिक्स है तो इसके कितने आइगन वैल्यूज होंगे 4 होंगे देर आर 4 आइगन वैल्यूज सो टू फाइंड आइगन वेक्टर अगर आइगन वेक्टर मुझे निकालना है टू फाइंड आइगन वेक्टर हाउ मेनी इक्वेशंस आर टू बी सॉल्व 16 इक्वेशन टोटल सॉल्व करना पड़ेगा क्यों कैसे देखो a माइनस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x इक्वल टू 0 करेंगे आप तो जब इसको आप 0 करेंगे तो यहां से 4 इक्वेशंस बनेगा 4 इक्वेशन 4 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा सेम चीज लैम्डा 2 के लिए 4 लैम्डा 3 के लिए 4 लैम्डा 4 के लिए 4 और फिर 16 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तब जाकर के एक आपका ऑप्शन मिलेगा और तब जाकर बता सकते हो आइगन वेक्टर्स सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग मेथड्स टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस आपको दिया हुआ है ऑप्शंस दिया हुआ है तो क्यों जा रहे हो इस तरह से बनाने की कोई जरूरत नहीं है तो देखो कैसे हम इसको शॉर्टकट तरीके में बताएंगे शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे तो देख लो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत बड़ा इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ रहा है तो भैया शॉर्टकट तरीके में कैसे बनाए तो क्या करो देखो मान लिया जैसे ऑप्शन दिया क्वेश्चन दिया है कि ये मैट्रिक्स ए है ना बहुत बड़ा मैट्रिक्स दे दिया है 4x4 का मैट्रिक्स राइट कुछ दिया हुआ एलिमेंट्स हमें आपको मेथड बता रहे हैं जस्ट 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है बोलेगा विच वन इज द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स और चार ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे मान लो ये दिया हुआ है ए बी सी डी ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी मान लो ऐसे दिया हुआ माइनस ए माइनस बी सी डी और एक ऑप्शन दिया हुआ मान लो माइनस ए बी सी माइनस डी चार ऑप्शन दिए हुए आपको पूछेगा विच वन इज द आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का कौन सा आइगन वेक्टर्स है और कैसे निकालेंगे और इस मेथड से हम डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं कि क्रॉस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स कौन से आइगन वैल्यूज हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखो क्या करो ये तो आपको ऑलरेडी 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्त आप क्या करो ये क्या है 4x1 का मैट्रिक्स है ये भी क्या है 4x1 का मैट्रिक्स है ये भी क्या है 4x1 का मैट्रिक्स है
ये भी क्या है 4x1 का मैट्रिक्स है, तो ऑलरेडी आपको गिवन है 4x1 का मैट्रिक्स, यहाँ पर 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप इस मैट्रिक्स को उठाइए और यहाँ पर ले आइए और इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x1 का मैट्रिक्स है, ऑप्शंस को अलग अलग चारों ऑप्शंस को उठाइए, इसको उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये मल्टीप्लाई करोगे कैसे, इधर से जाते हो इधर गिर जाते हो, नहीं यार मल्टीप्लाई करके क्या करते हो, ऐड करते चले जाते हो। तो क्या होगा देखो, जब आंसर आएगा 4x1 का मैट्रिक्स आ गया, मान लो आंसर जो आया आपका वो आ गया आपका इस तरह से k into a k into b k into c k into d, ये आ गया। अब इसको अगर बाहर करेंगे k तो आपका आंसर आएगा a b c एंड d। सो देखो यहां पर जो a b c एंड d जो मल्टीप्लाई किए हैं वो आपका सेम रिपीट कर रहा है, सेम आपका रिपीट कर रहा है। सो इफ वट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर, सो जस्ट मल्टीप्लाई द ऑप्शंस एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज ऑल ऑप्शंस, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज ऑप्शंस, इफ देर इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म्स कॉमन थ्रू आउट द ऑल एलिमेंट्स, देन टेक द कॉमन एलिमेंट्स एंड इफ सेम एलिमेंट्स इज रिपीटेड फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, देन वट एवर द कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज एंड दिस इज नथिंग बट आइगन फैक्टर। सो अगर कोई कॉमन फैक्टर आने के बाद अगर सेम एलिमेंट्स आपके रिपीट कर रहे हैं तो जो कॉमन फैक्टर आपके आएंगे वो उसका आइगन वैल्यू कहलाएगा, और जो आपके रिपीट किए वो उसका आइगन वेक्टर कहलाएगा। अगर ये रिपीट किया तो आइगन वेक्टर कहलाएगा, ये रिपीट किया तो आइगन वेक्टर कहलाएगा, ये रिपीट किया तो आइगन वेक्टर कहलाएगा। अगर रिपीट नहीं कर रहा है चार में से एक तो करेगा ही, अगर नहीं कर रहा तो ऑप्शन होगा नाम ऑफ दिस का, जो भी होगा एक ना एक रिपीट करेगा हमेशा। सो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म आकर के, कोई ना कोई अगर कॉन्स्टेंट टर्म आकर के अगर रिपीट कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम आइगन वेक्टर्स, क्लियर। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो देखो अगर तरीका आपको पता नहीं तो क्या करोगे, चार इक्वेशन चार सॉल्व करो, फिर जाकर के एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी आपने अगर कैलकुलेशन गलती किया तो गए काम से। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताते चले जाऊंगा, है ना। मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएशन।